यह ईडन गार्डन्स का ऐतिहासिक स्टेडियम है, जहां शनिवार यानी 28 अक्टूबर को नीदरलैंड्स और बांग्लादेश के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप का 28वां मैच खेला जाना है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही टीमें निचले पायदान पर हैं, जहां बांग्लादेश एक मैच जीत चुका है, वहीं नीदरलैंड भी एक ही मैच जीता है, लेकिन नेट रन रेट के हिसाब से बांग्लादेश नीदरलैंड से ऊपर है। कभी 1,00,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम को अब घटाकर 65,000 दर्शकों के लिए किया गया है। ऐसा आईसीसी वर्ल्ड कप के मानकों के आधार को देखते हुए किया गया है। यहाँ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, जैसा आप देख सकते हैं। देर शाम तक अधिकारी भी यहाँ जुटे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ही दोनों टीमें यहाँ प्रैक्टिस करके निकल चुकी हैं। करीब 2 घंटे तक दोनों टीम के खिलाड़ियों ने पसीना बहाया। यहाँ गहमागहमी काफी नजर आ रही है। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मैच को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।